मुबारक हो बेटी हुई है। जन्मी तो मैं मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन कहानी शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के इस दो मंजिले मकान से। इसके ऊपरी फ्लोर पे पिताजी का साम्राज्य है, जहां वे अखबार पढ़ते हैं या फिर डिक्टेशन करते हैं। हम सब भाई बहनों के साथ नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। मेरी माँ जो अनपढ़ है, लेकिन सवेरे से शाम तक सबकी इच्छाओं और पिताजी का आज्ञा का पालन करते रहती है। हम अजमेर से पहले इंदौर में थे, जहाँ पे पिताजी का बहुत रिस्पेक्ट मान सम्मान था। वे कांग्रेस के साथ मिलकर सोशल वर्क भी किया करते थे। मेरे पिताजी चाहते हैं कि सारे लोग पढ़े लिखे हो, इसलिए उन्होंने 8-10 स्टूडेंट को अपने घर पर रखकर पढ़ाया भी है, जिसमें कई तो बड़े बड़े ऑफिसर भी बन गए। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण हमें इंदौर से अजमेर आना पड़ा। पिताजी पहले बहुत शांत और संवेदनशील थे, लेकिन बहुत गरीबी के कारण उनका बिहेवियर बदलने लगा। वे निगेटिव होने लगे। वे अपना सारा क्रोध माँ के ऊपर निकालते थे। अपनों ने ही पिताजी के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए पिताजी शक के स्वभाव के हो गए हैं। हम लोग पर भी वह शक करते रहते हैं। मैं काली हूँ। मेरी बहन सुशीला मुझसे 2 साल बड़ी है और वह गोरी भी है। पिताजी को गोरा रंग पसंद था, इसलिए जब मैं छोटी थी तो वह हमेशा मेरा कंपेयर मेरी बहन सुशीला से किया करते थे। मुझसे ज्यादा प्यार पिताजी सुशीला से करते थे। हमेशा मेरे और पिताजी के बीच टकराव चलते रहता है। मैं अपने पिता के ठीक उल्टा हूँ। मेरी अनपढ़ माँ में धैर्य और सहन शक्ति थी। उन्होंने हमेशा हमारा फरमाइश पूरा किए हैं। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। हम भाई बहनों का लगाव सबसे ज्यादा माँ से है। 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे बड़ी बहन का शादी के समय मैं 7 साल की थी। मैं और मेरी बड़ी बहन सुशीला के साथ में बहुत गेम्स खेली हूँ, जैसे पकड़म पकड़ाई, गुड्डे गुड़िया। भाइयों के साथ भी मैंने गिल्ली डंडा खेली हूँ। मेरी बड़ी बहन सुशीला की उम्र 16 साल की हो गई है और उन्होंने मैट्रिक एग्जाम को पास भी कर लिए हैं। तो हमारे परिवार में जो भी लोग 16 साल के हो जाते हैं और मैट्रिक एग्जाम पास कर लेते हैं, उनकी शादी करवा दी जाती है। सुशीला की शादी हो गई और वह कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे का पढ़ाई के लिए बाहर चले गए हैं। जब सभी भाई बहन घर से बाहर चले गए, तब पिताजी का सारा ध्यान मुझ पर केंद्रित हो गया। सभी पेरेंट्स अपनी बेटी को बोलते हैं कि पढ़ाई करो और किचन का काम संभालो, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम किचन से दूर रहना। किचन एक भटियार खाना है, जहाँ पर इंसान का टैलेंट खत्म हो जाता है। तुम्हें तो बहुत आगे जाना।
मेरे घर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए दिन आते रहते हैं और किसी टॉपिक पर जमकर बहस भी होती रहती है। बहस करना पिताजी का शौक है। चाय पानी नाश्ता देने में जब भी जाती तो पिताजी मुझे वहाँ बैठने को कहते। बेटी मन्नू बैठ जाओ और समझो कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा है ना। मैं 10th क्लास पास कर ली हूँ, अब मैं फर्स्ट ईयर में आ गई हूँ, जहाँ मैं हिंदी के टीचर शीला अग्रवाल से मिली। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, यह स्कूल एक साल पहले ही बना है। शीला टीचर ने मुझे खुद चुन चुन कर हिंदी लिटरेचर की किताबें दिए हैं। जब मैं किताबें पढ़कर खत्म करती थी तो वह इस पर बहस भी करती थी मेरे साथ। मन्नू, अब तुम हिंदी लिटरेचर को समझने लगी हो। प्रेमचंद की कहानियाँ से आगे बढ़कर अब तुम जनेंद्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा की कहानियाँ भी समझने लगी हो। टीचर ने मेरी बहुत मदद की, जिसके कारण मैं आगे बढ़ पाई। देश के आजाद होने से पहले पूरे देश भर में हड़तालें चल रही थी, जुलूस और भाषण हो रहा था। टीचर शीला अग्रवाल की बातों ने बहुत लोगों को मोटिवेट किया। मैं भी हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़ताल करवाती। इसी बीच मेरी शादी राजेंद्र से हो गई। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का लेटर मेरे घर पर आया, जिसमें लिखा था कि मेरी एक्टिविटीज खराब है और प्रिंसिपल मेरे खिलाफ एक्शन लेगी। लेटर पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। पता नहीं मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। चार बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी ने यह दिन नहीं दिखाए। गुस्से से वे प्रिंसिपल के पास गए। मैं तुरंत अपने दोस्त के घर जा छिपी। माँ, मैं दोस्त के घर जा रही हूँ, पापा का गुस्सा शांत होगा तो बुला लेना। अरे तुम्हारे पिताजी तो खुश है, चलो घर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सारे कॉलेज की लड़कियां पर कितना रौब है तेरा। सारा कॉलेज तुम तीन लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर पर बैठा लूं, क्योंकि वे किसी तरह लड़कियों को क्लास में भेजते हैं और तुम लोग इशारा कर देते हो तो सारे क्लास छोड़कर बाहर आ जाते हैं। फिर तुम सारे प्रोटेस्ट करती हो। कहां मैं जाते टाइम घबरा रही थी, कहां अब ये प्रिंसिपल से कह कर आए। यह तो पूरी देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। मुझे अपने आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। एक और घटना है, आजाद हिंद फौज का। सभी कॉलेज स्कूल दुकान का हड़ताल का समय था। जो भी लोग दुकान बंद नहीं कर रहे थे तो हम स्टूडेंट बंद करवा रहे थे। इसी समय पिताजी का एक मित्र पिताजी से बोला, अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ, आप ठीक है ना? आपने लड़कियों को आजादी दे रखी है, पर देखते हैं आप ना जाने कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, उड़दंगे मचाती फिर रही है। हमारे आपके घरों की लड़कियों को यह शोभा नहीं देता है। कोई मान मर्यादा इज्जत का ख्याल भी रह गया आपको?
वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भड़कते रहे। बस अब यही दिन देखना रह गया था कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इसका मन्नू का घर से बाहर निकलना। अगले दिन मैं श्राद्ध होने पे घर लौटी। डॉक्टर अम्बालाल जी मेरे घर पर बैठे थे। मुझे देखते ही एक्साइटेड होकर बोले, आओ मन्नू आओ, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने यहाँ पर चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मन्नू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी, घर से निकला भी करो, यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे तारीफ करते रहे। वे बोलते ही जा रहे थे और पिताजी का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। ईयर 1947 मई महीने में टीचर शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का डिसिप्लिन बिगाड़ने का आरोप में जुलाई में कॉलेज ने थर्ड ईयर की क्लासेस बंद कर दी। फिर अगस्त में क्लासेस रीओपन हुई। आखिरकार भारत जीता। तो चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे इम्पोर्टेंट, और हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले बता देता हूँ, एमसीक्यू आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैंने अपने ऐप ज्ञानचल में ना एमसीक्यू दे रखे हैं फ्री में, उसका थंबनेल लिया देख सकते हो। फ्री में आपके लिए लेटेस्ट एमसीक्यू मिलेंगे सभी चैप्टर्स के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं इसमें अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फ्री आपके लिए। साथ में एक और कोर्स है जिसमें मैं मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे से, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। लेखिका के भाषण की किसने तारीफ की, यानी उनका जो स्पीच था उसका तारीफ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेश, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अम्बालाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दो 1, 2, 3, 4 एंड 5। जिसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अम्बालाल ने तारीफ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के माँ का स्वभाव कैरेक्टर कैसा था? ऑप्शन नंबर ए सहनशील, ऑप्शन नंबर बी सरल यानी सिंपल होता है सरल का मतलब, ऑप्शन नंबर सी झगड़ालू, ऑप्शन नंबर डी सनकी। तो सही आंसर दो 1, 2, 3, 4 एंड 5। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सहनशील थी, यार लेडीज लोग ऐसी होती है। लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? यानी पॉलिटिक्स तो करते थे, उसके अलावा भी कुछ करते थे क्या? ऑप्शन नंबर ए शैक्षणिक यानी टीचर थे क्या, एजुकेशन में थे क्या? ऑप्शन नंबर बी समाज सुधार थे क्या, सोशल वर्कर? ऑप्शन नंबर सी लेखन राइटर थे क्या? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका सही आंसर हो जाएगा समाज सुधारक थे, सोशल वर्कर थे। सन 1946 और 1947 के दिनों में देश का माहौल कैसा था बताओ? 1947 में आजादी हुआ था ना, उसमें माहौल कैसा था, इन्वायरमेंट? देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था, मतलब सभी लोग पूरा जोश में थे देश को आजाद करा देना ही है। ऑप्शन नंबर बी देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी, ऑप्शन नंबर डी संविधान तैयार किया जा रहा था। चलो उसका सही आंसर दो 1, 2, 3, 4 एंड 5। जिसका सही आंसर हो जाएगा देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था, सभी लोग मोटिवेटेड थे, तैयारी कर रहे थे कि आप देश को आजादी करवा देनी है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? ऑप्शन ए शिक्षिकाओं से यानी टीचरों से, ऑप्शन नंबर बी लेखिका से, ऑप्शन नंबर सी लोगों से, ऑप्शन नंबर सी या छात्रों से। तो आपको मिलेंगे 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका सही आंसर हो जाएगा लेखिका से परेशान थी कॉलेज की प्रिंसिपल। अब चलते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते जो एनसीईआरटी में है। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा है, यानी कौन कौन से लोग प्रभाव डाले हैं लेखिका के ऊपर, अपना इन्फ्लुएंसर जैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ना, कौन कौन से लोग इन्फ्लुएंस किए हैं लेखिका को, जैसे उत्तर पढ़ते हैं। लेखिका के जीवन पर दो लोगों का विशेष प्रभाव है, चलो ठीक है, पिता का प्रभाव, सबसे पहले पिता ने प्रभाव डाला है, फादर ही होता है जो प्रभाव डालता है यार अपने चाइल्ड पर। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई, इसी की हीन भावना यानी पूरा यार डिमोटिवेटेड हो गई,
और क्या बता सकते हैं, देख लो। इसी का परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई, यानी वह मोटिवेटेड नहीं रहने लगी, कॉन्फिडेंस कम हो गया। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम का भावना का भी निर्माण हुआ, यानी वह देश प्रेम भी करने लगी पिता के कारण, और हीन भावना से ग्रसित भी पिता के कारण हुई। शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव बताओ, टीचर भी प्रभाव डालिए। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के और आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, यानी कॉन्फिडेंस फिर आया शीला अग्रवाल के कारण। तो दूसरी और देश प्रेम का अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, यानी देश प्रेम जो उनके अंदर जगा हुआ था ना, और ज्यादा बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी, यानी जो रिवोल्यूशन होते थे, जो प्रोटेस्ट होते थे, उसमें भाग लेने लगी लेखिका मन्नु भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियारा खाना कहकर क्यों संबोधित किया? इसको तोड़ो, भटिया क्या बोलते, भटिया खाना, खाना मतलब किचन बोला जाता था। तो लेखिका के पिता का मानना है कि रसोई का काम में लगे जाने से के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है, यानी बहुत सारी लड़की के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, वह यदि खाना वगैरह बनाने में रह जाएगी तो उनका टैलेंट खराब हो जाता है, ऐसा उनका मानना उनका पिता का। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती, यानी वहीं बंद के रह जाती खाना पकाने में, और अपनी सही प्रतिभा यानी सही टैलेंट का उपयोग नहीं कर पाती है। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह के होने के कारण रसोई को भटियारा खाना कहा जाता है, यानी भट्टी इसको बोलते हैं। आज का समय में स्टोव हो गया ना, स्टोव चूल्हा जिसको बोलते हैं, पहले मिट्टी का बना रहता था जिसमें लकड़ी या कोयला डाला जाता था, उसको भट्टी बोला जाता था। तो भट्टी में क्या बोला यहाँ पे, भट्टी में खाना बनाने वाला की जगह को भटियार खाना बोला गया है, समझे? वहां पे सारे टैलेंट मर जाते हैं, सिर्फ आदमी खाना बनाने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया ना अपने कानों पर? ऐसा कौन सा इंसिडेंट था बताओ, बेचारी शौक हो गई। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिले, ठीक है मेरा भी आया था, सबका आया होगा, और बताएं कि लेखिका के गतिविधियों के खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, यानी वो जो कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी कर रही थी उसके हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से, उस पर क्यों ना हम लोग कुछ एक्शन लिया जाए, ऐसा बोलना चाह रही है उस प्रिंसिपल। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए, ऐसे। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, रही यार पापा इतना गुस्सा में क्यों आ गए कॉलेज। परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध का पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं था, क्योंकि पिता भी देश से प्रेम करते थे और बेटी भी देश से प्रेम करती थी, तो गुस्सा खत्म हो गया होगा, देश से प्रेम से रिलेटेड कहां कुछ कांड की होगी। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को ना तो अपने आंखों पर भरोसा हुआ ना ही अपने कानों पर भरोसा हुआ। मैंने सोच रही है कि पिताजी तो बहुत डांटेंगे मारेंगे, नहीं मार रहे हैं, नहीं डांट रहे हैं, बिल्कुल शांत हो गए, ऐसा देखो हुआ ना एक्शन मुझे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए, यानी कुछ कलेश लड़ाई कुछ अनबन होती है ना, जैसे बेटा और पिता में, फादर में हो जाता है, सन और फादर में, उसी तरह बेटी और फादर में हो गया है, तो उसके बारे में लिखो कुछ। लेखिका का अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकराहट हुआ करती थी, कुछ ना कुछ कलेश यानी लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ हो जाता है यार, घर घर की बात है। फर्स्ट, लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, ठीक है, परंतु वे स्त्रियों को दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे, परंतु लेखिका खुली विचारों की महिला थी, यानी वो एजुकेशन के खिलाफ नहीं थे लड़कियों का, लेकिन वो सोचते थे नहीं तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, चार दीवारी के अंदर ही रहो, ठीक है, इसके चलते वो लड़ती थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, ठीक है कोई बात नहीं, लेखिका जीवन का आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी, अपनी कुछ इच्छाएं होती है ना यार, सोच के रखता उसको पूर्ण करना चाहती थी, 16 साल में उम्र शादी हो जाएगा तो अच्छा बात नहीं ना, वही लड़ाई होता था। थर्ड, लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था, अच्छा कोई बात नहीं, स्पीच देती थी मोटिवेशनल स्पीच लड़ाई के समय में, यानी देश जब आजाद हो रहा था उस समय में, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, चलो कोई नहीं।
पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसा व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। मेरे हिसाब से देखा जाए तो लेखिका का साइकोलॉजी और कैरेक्टर एक नंबर है, ऐसा होना चाहिए। अब माँ के साथ कौन व्यवहार खराब करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता की मन उनकी तरफ से उदासीन रह करता था। यार उसका पिता यार कितना सिकुड़ा आदमी है यार, बेटी का रंग काला है तो उसको क्रिटिसाइज क्यों करोगे, उसे उदास क्यों रहोगे। उदास रहती थी, रहता था उसका बाप, लड़ाई होता था, क्या कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। तो जाओ ऐप डाउनलोड करो, उसमें क्विजेस और एमसीक्यू दिए हुए, जाओ उसको प्रैक्टिस करो खुद से। और साथ में इस यह थंबनेल में आपको फ्री, उसके लिए पेमेंट नहीं करना। साथ में एक और कोर्स बनाया हूँ जिसमें मैथ और साइंस पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से, इसका लेक्चर्स है, उसमें एमसीक्यू दिए हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। और ऐसे स्टूडेंट जिसको मैथ और साइंस नहीं समझ में आते सिर्फ वही इसको ज्वाइन करना, इसको मैं टॉपर बनाऊंगा। और यह पेड है और नीचे वाला कोर्स फ्री है, तो जाओ ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।